बताओ, बहन जी या चंद्रशेखर? नहीं, जाहिर सी बात है, इस देश की बहुजन समाज की जो सर्वमान्य नेता हैं आज भी, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। और कोई एक सीट के लिए चुनाव लड़े बहन जी पे, इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। इस देश के अंदर 21% वोट पे अगर आज भी सबकी 21% वोट की जो नजर रहती है वो बहन जी के ऊपर रहती है कि बहन जी का रुख क्या होगा। और इस देश के अंदर हमेशा से बहुजन समाज यह चाहता रहा है कि बहन जी के रूप में हमें एक आइकन, एक लीडर मिले जो देश का नेतृत्व, तो एक बार हम वो देखना चाहता है। यह दलित समाज का भी चाहना है और बहन जी का तो चाहना ही है, क्योंकि इस देश के अंदर हजारों सालों में ऐसी बीएसपी जैसी पार्टियां बनती हैं और हजारों सालों में ही बहन जी जैसे लीडर बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके जीते जी और जब तक ये पार्टी है तो बहन जी इस कार्यकाल में, और अगर हाँ कांग्रेस ही इतनी हितैषी है दलितों की और बीजेपी इतनी हितैषी है या और भी कोई दल इतना हितैषी है, तो बहन जी को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाए। और फिर प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, आप रिजल्ट भी तो गिन लो। आप रिजल्ट गिन लो 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी 2022 छोड़िए ना, आप 2000 छोड़ कैसे थे, हम बता रहे हैं ना, 2019 का भी चुनाव देख लीजिए। सिर्फ दो सिंगल पार्टियों की, यूपी में सिंगल पार्टियों का गठबंधन था, 27 सीटों पर बहन जी सेकंड नंबर पर है, 48% मेरठ वाली सीट पर 48% वोट पड़ा है, और उसमें सिर्फ और किसी कम्युनिटी का नहीं है, ये एससी और मुस्लिम कम्युनिटी का वोट बैंक था। और 10 सीटें बीएसपी जीती, 27 सीटों पर सेकंड नंबर पर रही, समाजवादी की 5 सीटें निकली और समाजवादी भी 13 सीटों पर वो रही है। अगर ये समाजवादी और इंडिया अलायंस और इस तरीके से ये बनेगा और बहन जी उसमें सर्वमान्य नेता घोषित की जाएंगी, तो इसका इम्पैक्ट इस प्रदेश में कितना होगा। और ये भी समझ लीजिए सर, अगर बहन जी यहाँ, अगर ये गठबंधन और जो बीजेपी को हराना है, तो यूपी के अंदर बहन जी और इन सबको मिलकर बहन जी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें, यहीं से बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो तो नाराज हो गए जब उधर खड़गे का नाम ले दिया ममता बनर्जी। देखिए, लेकिन खड़गे जी के नाम पर असहमति हो सकती है, लेकिन बहन जी के नाम पर असहमति नहीं हो सकती है, नहीं होगी। अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि वो पीएम बन जाए। सर, वो उनकी समस्याएं हैं, उन्हें ये लग रहा है कि बहन जी कांग्रेस बहन जी से बात कर रही है, कभी मेरी सीटें कम हो जाएं या मैं अलायंस में ना रहूं, उन्हें भी अपनी राजनीति बचानी है, तो इसलिए अब फिर बाद में क्या हुआ है, उनका कोई भी प्रवक्ता बहन जी के खिलाफ बोलने से मना कर रहा है कि नहीं नहीं, हम बहन जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाँ, अखिलेश जी की पिछली बार 5 सीटें आई थी और विधानसभा में क्या रही, पूरा अलायंस बनाया इन्होंने यूपी में, और इन्होंने क्यों सरकार नहीं बना पाई, पूरा बवंडर खड़ा कर रखा था। अगर अखिलेश यादव को इतनी ही चीजें पता है राजनीति की, देखिए इंडिया गठबंधन में अखिलेश जी के साथ क्या हो रहा है, बहन जी ने तो अलायंस की घोषणा नहीं करी है, इनका तो अलायंस हो चुका था, है ना, अखिलेश वखिलेश चल रहा है, तू मैं चल रही है, तो बहन जी का व्यू जो एकदम आ रही है, कब आ रही है। अब देखिए, समय आएगा, राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। राजनीति के अंदर कोई दुश्मन नहीं होता है। आज मेन बात है इस देश को बचाया जाए, इस देश के गरीब तबके की बात आगे रखी जाए, जो हाशिए पे चला गया है। आपने कहा संभावनाओं का खेल है, संभावना एनडीए के साथ भी है क्या? एनडीए के साथ कोई मतलब नहीं है, ये बहुजन राजनीति विचारधारा पे, देखिए बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की, पिछले कई बार देखा है बहन जी खड़ी हो गई बीजेपी के साथ। नहीं, बीजेपी के साथ, लेकिन जैसे हालात हैं, छोड़ा भी तो था, अपनी सरकार चलाई और उसको छोड़ दिया, उनकी सरकार नहीं बनने दिया बहन जी ने, तो बहन जी को भी राजनीति पता है कि मुझे कब क्या करना है। बहुजन समाज को छोड़ के कभी नहीं गई है, इनके हितों की और युवाओं के रोजगार की, इस देश प्रदेश के अंदर जब बहन कुमार मायावती मुख्यमंत्री थी तो सबसे ज्यादा रोजगार उस समय इस यूपी को मिले थे। और बात कर लेते हैं बाबा, आप क्या चाहते हो? हम तो अपने बहन मायावती जी को चाहते हैं। चंद्रशेखर को नए लड़के चाहे? नहीं, हम तो अपनी पुरानी पार्टी को चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी को। अच्छा, ये लड़के भी तो कहते रहते हैं कि चंद्रशेखर को लाएंगे, वो अपने मन की इच्छा है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। हम तो समाज बहुजन पार्टी भी चाहते हैं पहले से ही। और बीजेपी ये कहे कि आप जो दलित हैं वो हमारे हैं, वो क्या वजह, हम तो नहीं उनके, आज भी नहीं है ना पहले से है। नहीं हो भैया, हमारे लिए क्या करा उसने, तो गिनवाओ क्या किया, कुछ भी नहीं किया, नोटबंदी में बर्बाद कर दिया जनता को, हमारे पार्टी जनता को, लॉकडाउन में सारे समाज गार्ड पिटवाई पुलिस वालों ने और घरों में से बाहर निकाल दिया, तो हम नहीं चाहते। हम आप कुछ कह रहे थे? तो मैं नुकहर था, मगर उन्होंने तो एक काम तो करा, तो लाइन पे तो लगा दिया, बस लाइन पे लगा दिया। हाँ बस, और कुछ नहीं करा। और कुछ नहीं किया? नहीं, घर मकान कुछ नहीं? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया। लेबर अड्डे पे बाथरूम घर तो बना नहीं, लेबर अड्डे पे बाथरूम घर नहीं बना, जो मिस्त्री मजदूर आते हैं वे कहाँ जाए लाटी बाथरूम करने, क्या उसको दिखाई नहीं देता, वो भी तो कहीं कहीं जाता होगा, वो भी तो बाथरूम करता होगा। इन चीजों को लेकर परेशान,
सब चीज को लेकर परेशान है, मजदूरी नहीं लग रही मजदूर की, बताओ क्या करे, जब रोजगार नहीं मिलने का। हम इस बात को भी नहीं कहते कि सरकार ना रहे रहो, तो कम से कम मजदूरों को मजदूरी तो दो, क्या मजदूरी भी खत्म कर दो, ये क्या खाओगे? मैं कह रहा हूँ मगर जब से ये सरकार आई है गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है, रोजगार नहीं है, जवान जवान लड़के ठाली फिर रहे हैं। सरकार तो ये कहती है बहुत सारा रोजगार दे रहा है। हाँ है, कहीं भी ना है, कहीं है, हमारे जवान जवान लड़के ठाली फिरते हैं, रोजगार ही नहीं है, क्या करें, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। ये बताओ आपकी ये जो चुनाव होने वाला है इसमें क्या इन सब चीजों को लेकर आप वोट डालेंगे? हम तो अपनी बहन जी के लिए वोट डालेंगे, बहन जी को वोट देते हैं, बहन जी को वोट देंगे, उन्हें वोट देते हैं, उन्हें देंगे, उन्हें देंगे, बहन जी को देंगे वोट, चाहे अकेले लड़े या इंडिया गठबंधन, चाहे कैसे भी लड़ती है, वोट हम बहन जी को देते हैं, ये भी हम बहन जी को ही नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्या अकेली लड़े और के सामने पड़ के किसी के और के सामने साथ लड़े। हाँ हम तो सब उसी के आदमी, हम तो सब उसी वोट देने वाले, और को देने वाले हैं नहीं, और को देते हम किसी को भी, पहले से हिंदी कर तो खड़ा हुआ सारा वाला, क्या सारी दुनिया खड़ी रहा हमारी, हम तो बहन जी के हुए हैं, हम और देते हैं किसी को भी वोट, हम तो नहीं देते हैं अपने वोट। अच्छा, और चंद्रशेखर और बहन जी अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर कैसा माहौल बनेगा? नहीं, हम तो बहन जी को जाएंगे, वे उनका उनकी समझ है, वे क्या करेंगे, वो उनका उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है उसमें, लेकिन रहेंगे उनके साथ में, जहाँ जहाँ वे जाएंगे वहीं रहेंगे, चाहे वो अखिलेश से अपना संगठन बना लें, चाहे वो कांग्रेस, तो बहन जी के साथ हैं, जब वे किसी से बात करें अपनी, और के साथ ही नहीं, हम तो अपनी बहन जी के साथ हैं, और के साथ नहीं है जी, हम तो बहन जी के साथ, उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के रहेंगे। आप बताओ, रोजगार तो है नहीं, ऐसी सरकार हमारे किस काम की, जो हमें रोजगार नहीं देखती, तो वोट किसे? वोट तो अपनी बहन जी को देंगे, बहन जी तो जा ही ना रही गठबंधन में, वो चाहे गठबंधन में आए या सिंगल रहे, वोट हमारी उनको जाती थी और उन्हीं को जाएगी, तो वोट तो खराब हो जाएगा जब सरकारी नहीं बनाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगी, कैसे बना लेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगी, खराब खराब डाल, खराब करने के लिए थोड़ी डालते हैं वोट, जिताने के लिए डालते हैं, अभी बेईमानी कर ले तो उसमें हमारा कुछ है नहीं, बेईमानी कौन करे, क्यों नहीं करते, ये बेईमानी तो सरकार 10 साल तक, ये तो सरकार जो बेईमानी से तो चल रही है, ईवीएम हटा के देख लो, ब्लैक पेपर से डलवा दो वोट, पता चल जाएगा, ये आप तक बात पहुंच गई है कि ईवीएम हटा के देख लो, बैलेट से वोट डलवा दो, हाँ जी ब्लैक पेपर से डलवाओ ना, पता चल जाएगा सरकार किसकी बनती है, निखरसी सरकार, पीएम जो पीएम का जो हमारा सपना है ना, वो एक बार में साकार हो जाएगा, पीएम बन जाएंगे, हाँ जी, क्योंकि पूरा समाज उन्हीं के साथ था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि दलितों पर अत्याचार करते हुए आए हैं पहले से ही, रोजगार छीन लिया, बेरोजगार कर रखे, जब जब आया। ये तो बताओ, आप बहन जी का गुणगान तो बहुत करते हैं, उनके एकदम से आंखें मूंद के उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वो कभी आई पिछले 5-10 सालों में जब वो विपक्ष में? हर बार आती है वे, हर बार आती है, जब लोग के बीच में कभी आई किसी, आई है एक बार नहीं, अनेक बार आई है, आप एक बार के, और मोदी एक बार भी आया यहाँ पे, बताइए, हम उन्हें बुलाना भी नहीं चाह रहे, हम तो बिगर बुलाए उनके साथ हैं, बिगर बुलाए उनके साथ हैं, हम बुलाना भी नहीं चाह रहे। बहुत सारे नए लड़के हैं, बात सुनो जरा, ये बताओ जी आपका समर्थन किसको है? हमारा तो जी खुला समर्थन है माननीय बहन जी को, और हमारा एक ही मिशन मूवमेंट है बसपा, और यही रहेगा बस। चंद्रशेखर? चंद्रशेखर तो जी अभी तक तो कहीं भी नहीं है, संगठन में समाज को एकत्रित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आंदोलन चंद्रशेखर के साथ करोगे, वोट बहन जी को दोगे? हाँ जी, क्योंकि समाज में जी हमें संगठित करने वाले भी तो लोग होने चाहिए ना, जब भी समाज संगठित रहेगा, संगठन चलता रहेगा। शेखर के लिए इस बार कोई चांस नहीं? नहीं जी, चंद्रशेखर का खुद वोट बहन जी को जाएगा, हम तो इस बात को लिखवा कर दे सकते हैं। की बात तुमने बता दी, हम बता रहे हैं ना, देख लेना, अगर जब वो सीट पर लड़ेंगे ना, देख लेना, उनका खुद वोट बसपा को जाएगा, उनका खुद वोट उनकी पार्टी को नहीं होगा। ये इतनी गहरी बात कहां से बता रहे हैं आप? सब लोग खड़े होते हैं चंद्रशेखर के साथ? खड़े होने का बात क्या है, भाई के साथ कोई भी खड़ा हो सकता है, या बहन जी के साथ खड़े? मैं बात बताऊं, आपने बहन जी चंद्रशेखर को चल रहा है, बहन जी बीजेपी चलाओ ना, या उस वोट जो है ना, वोट जब वो इकट्ठा होके गठबंधन के साथ खड़ा होगा तभी तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो गठबंधन तो ऐसे ही खड़ा है। नहीं, इसको बात करो, बहन जी और बीजेपी मोदी चलाएं, चंद्रशेखर दोनों पार्टी को मीडिया जो काम जी और मोदी चलाएं, हाँ आपस में चंद्रशेखर को चलाए, दोनों एक हैं। आप सोच रहे हैं, ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी और बहन जी भी साथ आता, आप लड़ाने का काम करें, जब चंद्रशेखर बहन जी का वोट बैंक लड़ा रहे हैं, तुम्हें रणनीति आप बता रहे हो, समीकरण आप बता रहे हो, समीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें चलाने से बढ़िया होती है सही चीज चलाई जाए, लेकिन जो भी जगति विधानसभा आ रही है बहन जी गठबंधन में, बहन जी गठबंधन नहीं है, बहन जी खुद गठबंधन नहीं बनाना चाहती है, खुद अलायंस में नहीं लड़ेंगी, अलायंस खुद पागल हुआ पड़ा है, बहन जी हमारे साथ अलायंस करें, लेकिन बहन जी ऐसा एक चेहरा है, मूवमेंट है, एक भगवान है ऐसे समाज के लिए, लेकिन बहन जी भगवान को मानती नहीं, अलग विचारधारा की बहन जी हैं, लेकिन बहन जी खुद पागल हो रहा है, बहन जी क्या कर दें, लेकिन जन्मदिन आ रहा है बहन जी का, ये खुद पागल है, बहन जी जन्मदिन नहीं मना रही, क्या कर देंगे हमारे लिए? तो आपकी बार जन्मदिन पे ही ये तय करेंगे कि वो किधर जाने वाले? जो बहन जी का रास्ता होगा सड़क पे हम चलेंगे, किधर तो जाने बहन जी, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि बहन जी किधर जाएंगी,
बहन जी की तरफ सब आएंगे, ये सवाल पैदा नहीं होता कि बहन जी किधर जा रही है। नहीं नहीं, तो क्या अखिलेश यादव ने इसीलिए अपना रुख बदला है? नहीं, ये तो इन्हें अपनी राजनीति बचानी है तो कुछ ना कुछ तो इन्हें स्टेटमेंट देना ही होगा। तो इस बात पर हम अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहे और हमारी जो पार्टी है वो आगे आए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था चंद्रशेखर के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? मायावती के, भाजपा और मायावती के बारे में पूछो ना, चंद्रशेखर को क्यों लड़ा रहे हो आप? भाजपा और मायावती के बारे में बता दो। ये भाजपा ने तो ये कर रखा, सारे दलित समाज को बिल्कुल तलिया कर रखा, बेकार कर रखा। ना कोई कार्य है, ना कोई नौकरी पैसा बच्चों का है, कोई नहीं है। जब देखा दलित समाज के कोई सभासदों को पीट रहा, एक हमारे दंतोपापुर का ठेकेदार था, वो पैसे मांगने गया, आपने उसे मरवा कर उस पर टांगवा दिया। अब इन्होंने विधायक ने, वो मंत्री ने, इन्होंने भी सभासद पीटे, ये अपनी हक की लड़ाई लग रहे थे। जो उनके गांव का कोटा है जो उसका मांग रहे कि हमारे गांव में हमारे जो जिला पंचायत का वो है और उसका कोटा है सभासद का, वो हमको दो, देने के लिए मारे कर रही, उनके साथ में मारपीट कर दी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, फिर भी हमारे उनके सिद्धार्थ उन पर मुकदमा कर देते। ये सब बातों का जवाब कैसे दें? वोट से देंगे, बहन जी को वोट से देंगे, बहन जी को वोट, हाँ बहन जी को वोट देंगे पक्के, बिल्कुल पूरा ऐसी समाज। और बहन जी जहाँ भी जाओगे हम उसके साथ हैं। आप चाहते हो इंडिया गठबंधन में बहन जी जाए? हाँ, अगर बहन जी नहीं जाएंगे, बहन जी के पास में भी आ रहे हैं, उन्होंने उनके तो पसीना आ रहे हैं कि बहन जी हम क्यों नहीं बात कर रही हमसे। बहन जी के दौरे आएंगे, कूदे कूदे आएंगे भाग के, जब भाई अगर भाजपा को हराना तो बहन जी को साथ में लो, बहन जी जाने किसी के साथ में, ये खुद आएंगे इनके साथ में। मान के चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी मजबूरी है, अब बहन जी के अलावा पार्टी नहीं बन सकती है, बहन जी को लेना पड़ेगा ना। रही चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर जाते कितने आए कितने गए, बहन जी के सामने कोई नहीं टिक पाया, बहुत बड़ी नेता है वो। तो जो वोट खिसक रहा था दलितों का, ये बीजेपी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी कहती थी हमारे साथ है, कांग्रेस कहती थी हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गया है क्या? ये वोट तो पहले फिक्स रहती है, 60% बीजेपी को रहती है, 40% सब दलों में बट जाती है, तो फिक्स है जब तक ईवीएम रहेगा। अगर दूध का दूध पानी करना है ना तो ईवीएम खत्म कर दो, बैलेट पेपर ला दो, हम सीना ठोक के कह रहे हैं बहन जी आएगी। और अगर ईवीएम रहा तो ये बीजेपी आएगी, क्योंकि ईवीएम रहा तो बीजेपी आएगी, क्योंकि हमारी वोट कन्वर्ट कर देते हैं, वोट डाले हम बहन जी पे जा रहे हैं फूल पे, ये होता है, हैक कर लेते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? क्यों नहीं होता? अच्छी तरह होगा, सारा सारा समाज इनका है, सारा मतलब हिसाब किताब। या चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, मध्य प्रदेश में रात के 12 बजे ईवीएम मशीन तोड़ी, वो खोली उन्होंने, उनमें जो मशीनों में चिप हो जहाँ जीतते हुए चिप भर देते हैं दोबारा से मशीनों में। और डीएम से कहा, डीएम भी पल्ला झाड़ गया, और चुनाव आयोग से कहा उसने पल्ला झाड़ लिया। इसमें ईवी जब तक ईवी मशीन है जब तक तो बीजेपी ईवी में हटा, तो बहन जी बिल्कुल निखर का एकदम। तो बहन जी को कहाँ देखना चाहते हो आप? हम तो पीएम देखना चाहते हैं। मान जाएंगे इंडिया गठबंधन के जितने नेता और पार्टी हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जय, अगर वे नहीं माने ना तो फिर भाजपा आवेगी, उन्हें उनकी मजबूरी है, मायावती को बुलाना उनकी मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी है मायावती को बुलाना, मायावती जाएगी उनके पास में, वे खुद आएंगे चल के इनके पास में। इसीलिए बहन जी इतने दिनों से चुप थी, क्यों भाई? बहन जी क्यों चुप थी इतने दिनों से, इंतजार कर रही थी कि टाइम आएगा तब बोलेंगे? जी बस, अब सरकार जो चल रही है देख लो कैसे आए हैं, परेशान लोग हम, ये है और क्या समस्या है सारी, वही सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है, कुछ भी नहीं कर सकता पब्लिक। बहन जी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, उन्हें गठबंधन में आना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो बहन जी की सरकार को पूर्ण बहुमत से बिल्कुल वो आनी चाहिए, पूरा सरकार तो तब आएगी जब बहन जी चुनाव लड़ेंगी गठबंधन के साथ या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगी, आपको क्या लगता है? देखो इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल जो उनका अपना मत है वो क्या सोचती हैं, हम तो यही कहेंगे अगर बहन जी आती हैं तो हम उनके साथ हैं, पूरा ही समाज उनके साथ रहेगा, पूरा समाज उनके साथ समाज रहेगा, दलित समाज पूरा, मैं तो ये चाहूँगा। अच्छा ये बताओ आप, भाई साहब तो कह रहे हैं पूरा दलित समाज बहन जी के साथ है, चंद्रशेखर आ गए पिछले कई सालों से मैदान में, कोई असर पड़ा है? उनके असर से कुछ नहीं, हमारे पूरे समाज का एक सपना है कि बहन जी पीएम बने, पूरे समाज का, अगर उनके साथ भी अगर वो जाती हैं इंडिया के साथ भी, अगर वो उनका उन्हें कहती हैं पीएम घोषित करती हैं तो हम तो चाहेंगे वो कल के बजाय आज चले जाएं, अगर वो पीएम घोषित करते हैं तो, और हमारा समाज ये सपना सच होता देखेगा अगर वो इंडिया भी जीता है तो उन्हें पीएम घोषित करें। पीएम घोषित करने के लिए तो बहुत सारे नेता भी अपना मुंह चिकना किए हुए बैठने, वो बैठे हैं बैठे रहने, तो हम तो बहन जी के लिए समर्थन करेंगे ना, हम बहुजन समाज से आते हैं तो हम तो उनके, हमारा सपना उनके लिए है, जो एक बार जैसे एक बार सीएम बनी फिर उनको 5 बार बनने का सपना देखा उन्होंने, 4 बार बनी भी, और ऐसे ही फिर वो बार बार बनेंगी भी, क्योंकि उनका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उनका एक सपना रहता है, वो हमेशा काम ऐसे करती हैं, सब सर्व समाज के लिए काम करती हैं, तो ऐसे ही फिर उनको बार बार मौका भी मिलेगा, फिर वो पूर्ण बहुमत से भी आएंगे अगर वो इंडिया में जाके अगर वो पीएम बनती हैं, मगर उन्हें घोषित करें तो। इतना बड़ा सपना देख रहे हो, विधानसभा के इलेक्शन में कितनी सीटें आई थी बीएसपी की? तभी तो बोल रहे हैं हम कि वो उनके साथ भी जाना चाहें तो चले जाएं, कोई बात नहीं है, तभी तो हम उनके लिए बोल रहे हैं। अच्छा आप उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होना देखना चाहते हैं या फिर बीजेपी के साथ? नहीं, इंडिया के साथ देखना चाहेंगे, बीजेपी के साथ बिल्कुल। क्यों भैया,
आपके मुद्दे क्या हैं ये बताओ, समस्याएं क्या अभी बाकी हैं आप सब लोगों की जो पिछले 10 साल में पूरी नहीं कर पाई बीजेपी? देखिए, जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से दलितों पर उत्पीड़न बढ़ते गए हैं, दलितों की हत्या हो रही है, अभी आपने देखा भी है, मेरठ का केस भी देखा, इंदु शेखर वाला देखा, उसे मार के टांग दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, फिर भी दो आरोपी उसमें से निकाल दिए थे, ये पार्षद वाला देखा है। जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से इन्होंने अत्याचार केवल दलितों पर ही करे हैं। हम 24 का जो चुनाव आ रहा है ना, हम इसमें केवल अपनी सरकार देखना चाहते हैं, और ये दलित समाज को कुछ सोचना होगा कि अगर अपनी सरकार बनानी है तो बहकावे में किसी का आना नहीं है, किसी को वोट नहीं देनी है। जबकि छोटी छोटी पार्टियाँ जमीन स्तरों पर बनी हुई है ना, ये आपकी वोट काटने का काम करती हैं। अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देना होगा, तभी जाकर ये बहन जी का सपना और हमारा सपना पूरा होगा। अच्छा, ये आरोप लगते रहे हैं पिछले कई सालों से कि बहन जी जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़ी हैं पर्दे के पीछे, चंद्रशेखर भी इसी ओर इशारा करते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी हैं, अब लोग गुमराह करा जा रहे हैं ऐसी ऐसी बात करके। चंद्रशेखर कुछ नहीं है, चंद्रशेखर एक संगठन है जो इन्होंने भीम आर्मी संगठन बनाया था, लेकिन आज भी वोट के आधार पर बहन जी के साथ दलित समाज है। अगर कहीं बात आती है आंदोलन करने की या किसी चीज़ की, तो बहन जी का जो कानून है जो बना रखा उन्होंने, बहन जी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि धरना देना, वो हमारे लोगों मुकदमे लगते हैं। बस चंद्रशेखर का ये धरना देना और ये इन सब में शामिल हो जाता है। ये छोटी छोटी पार्टियाँ जब से बनी है ना, जो पार्टी बना के ये हमारे समाज के लोग जो युवा आगे को बढ़ रहे हैं वोट डाल देते हैं, जबकि अभी अस्तित्व कुछ नहीं है चंद्रशेखर का पार्टी के, अस्तित्व नहीं है, पार्टी में नहीं है ना, अब वोट के आधार पर नहीं है ना, वोट के आधार पर नहीं है। बहन जी के पास बहुत बड़ा समूह, आज भी बहन जी के साथ सब लोग हैं, गाँव के, बस्तियों के, शहर के, सब लोग साथ हैं।